जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एमपी पुलिस रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने यहाँ पर है, आज आई है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है, इससे पहले आपने यहाँ पर ये देख लिया, बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं आपने जहाँ पर व्यापम ने एमपी पुलिस रिजल्ट को लेके शुद्धि पत्र जारी किया था, ठीक है। ये आपने तो देखा है, शुद्धि पत्र वाले वीडियो बहुत सारे आपने देखे। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके लिए ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जो फायदेमंद हो सकता है, और यदि उसका ध्यान नहीं रखा तो उसके लिए आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। और बाकी फिजिकल की डेट क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है ध्यान से। और वीडियो पे यदि आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें यहाँ पर एमपी पुलिस रिजल्ट अपडेट। तो अपडेट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसको जान लें। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा। व्यापम ने क्या बोला है, कब तक आएगा? तो व्यापम ने ये बोला है कि इसी सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मतलब इसी सप्ताह में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। मतलब सिंपल है कि आपके शादी की जो पत्रिका है ना, वो व्यापम बहुत जल्द देने वाला है, ठीक है। अब शादी की पत्रिका पे नाम किसका किसका होगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये आपको पत्रिका मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे इसी सप्ताह में रिजल्ट आएगा, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और कैसे देंगे, थोड़ा सा इस पर हम बात कर लें। तो कैसे देने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर इनकी देने की जो प्रोसेस है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। रिजल्ट कैसे देने वाले हैं, तो यहाँ पर 87% पे आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 87 पे, 100% पे पूरा नहीं, तो 87 पे यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और बाकी जो 13% रहेगा, 13%, यहाँ पर इसको अभी जारी नहीं करेंगे, मतलब इसको रोक देंगे, होल्ड कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर इससे क्या मतलब है, मतलब यहाँ 87 से हम क्या समझते हैं, कितनी पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट कितनी है, 17090, मतलब 7090 पोस्ट टोटल है, ठीक है। इस पर पूरी भर एग्जाम हुई थी, इतनी वैकेंसी इतने पोस्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें से आपको कितनी मिलने वाली, थोड़ा सा ये देख लें। तो कितनी पोस्ट पर भर्ती होगी, तो इसमें से आपको भर्ती की जाएगी 17 और यहाँ पे 67, मतलब 6167 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये 6167 पद है, ये किसके बराबर है, तो 87% के बराबर है, क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें कितने पोस्ट वैकेंट रहेंगे, मतलब खाली रहेंगे, और उसको होल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 923 पद यहाँ पे रहेंगे। शेष भर्ती कितनी, तो 923 कितनी रहेगी, 923। तो यहाँ पे 923 यहाँ पे लिख लो। अब ये पोस्ट होल्ड रहेगी, मतलब इस पर अभी भर्ती आपकी नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि अपना जो कोड है, ठीक है, न्यायालय, ठीक है। अब न्यायालय यहाँ पे जो कोड है अपना, हाई कोर्ट, ये क्या न्यायालय देता है, क्या न्याय देता है, क्या निर्णय लेता है इस पर, ओबीसी आरक्षण पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 923 पोस्ट है, ये दो लोगों के हाथ में जाएगी, या तो किसी एक में, मतलब दो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक ओबीसी है, ओबीसी, वो दूसरा है अनरिजर्व कैटेगरी। चलिए तो यहाँ पर जो 923 है, शेष भर्ती रहेगी, जो बाकी रहेगी पोस्ट, वो किसके, कोर्ट के हाथ में है, न्यायालय के हाथ में है। अब वो इन दोनों में से किसको देना चाहेगा, ठीक है, न्याय, मतलब जो न्याय रहेगा, वो डिसीजन रहेगा, वो ओबीसी के आधार पर जाएगा, मतलब ओबीसी के पक्ष में जाएगा, या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में डल जाएगा। तो यहाँ पर दो यहाँ पर है उम्मीदवार है। अब इनमें से जो 923 पद है, ये या तो यूआर को मिलेगा या फिर ओबीसी को मिल जाएगा, दोनों में से किसी एक को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मामला है। और बाकी अब यहाँ पर देख लें तो फिजिकल कब तक, ठीक है, तो फिजिकल कब होगा। तो फिजिकल की हम बात करें तो अब आपके लिए यहाँ पर टाइम ये समझ लो ख़त्म हो चुका है। फिजिकल जिन्होंने किया है अच्छे तरीके से, ठीक है, वो यहाँ पर बाजी मार जाएंगे। और जो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बोलेंगे अभी पहले नहीं किया और अब हम कर लेंगे सब कुछ, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात, बहुत बड़ी चुनौती, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से दौड़ रहे हैं, अपना फिजिकल पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और उस क्राइटेरिया को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और किया है बहुत सारे उसमें परफेक्ट है, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो फिजिकल होने वाला है ये बहुत जल्द आपका लिया जाएगा, आपको टाइम नहीं देंगे इसमें, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद में आगे से अप्रैल में आप देखेंगे तो चुनाव आ जाएगा। अब चुनाव से पहले यहाँ पर क्या होगा, अभी हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आचार संहिता लग जाए, वो लगना ही है, फिक्स है वो तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर
अब इससे पहले पहले यदि आपकी भर्ती कराएंगे तो आपको टाइम कहाँ से मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन अपना जो फिजिकल हो कंप्लीट करें। चलिए, तो अब यहाँ पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितनी बातें मैंने बोली है उसको समझना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है, और बाकी अगले वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो में। जय हिंद।